वेलकम टू द लॉजिकल टॉक। जब भी हम किसी जगह पर अर्थक्वेक की खबर सुनते हैं तब हम ये देखते हैं कि वो भूकंप या फिर वो अर्थक्वेक कितनी ज़्यादा तबाही मचा चुका है उस जगह पे। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम एक चीज़ पे और बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो है भूकंप की फ्रिक्वेंसी। भूकंप की फ्रिक्वेंसी हमें रिक्टर स्केल में पता चलती है और हमें से ज़्यादातर लोग को ऐसा लगता है कि अगर किसी भी भूकंप की फ्रिक्वेंसी रिक्टर स्केल में बहुत ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा देता है किसी भी शहर में, जो कि एक सही चीज़ है। लेकिन जब भी हम किसी भूकंप की खबर सुनते हैं और हम ये देखते हैं कि उस जगह पे भूकंप का क्या असर पड़ा है, तब हम ये देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी भी शहर की सारी बिल्डिंग्स, सारे मॉन्यूमेंट्स गिर जाएं अगर बहुत ज्यादा हाई रिक्टर स्केल का भूकंप आता है। कोई भी इंसान इस चीज पे ध्यान नहीं देता है कि जब भी किसी जगह पे भूकंप आता है तब ऐसा कभी नहीं होता है कि वो पूरा शहर ही बर्बाद हो गया हो। ऐसा कभी नहीं होता कि उस शहर की सारी बिल्डिंग्स गिर गई हो। उस जगह पे ऐसा होता है कि कुछ बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और कुछ बिल्डिंग्स उसी तरह खड़ी रहती हैं मजबूती के साथ। लेकिन हमारे आसपास ऐसे भी लोग होते हैं जिनके मन में भूकंप अर्थक्वेक की मीनिंग अलग होती है उसके रियल मीनिंग से। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी जगह पे जमीन अलग हो जाए तो हम उसे भूकंप कहते हैं, लेकिन उसे भूकंप नहीं कहा जाता है। भूकंप का जो मीनिंग है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है जैसे उसे बुलाया जाता है। हिंदी में बोला जाता है भूकंप यानी कि भूमि का कांपना यानी कि जमीन का कांपना, और इंग्लिश में बोला जाता है अर्थक्वेक यानी कि अर्थ का कांपना, कांपना यानी कि वाइब्रेशन। तो अर्थक्वेक का मतलब होता है जब हम जमीन के ऊपर खड़े होते हैं तो वो जमीन वाइब्रेट करने लगे एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे। इस दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी ब्रिजेस हैं, उन सभी चीजों की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है जिसको हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। और उन चीजों को अगर हम उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे तब वो सारी चीजें अपने ओरिजिनल शेप से डिस्टर्ब हो जाएंगी, यानी कि वो चीजें ढह जाएंगी, वो चीजें बिगड़ जाएंगी। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप इस चीज से ले सकते हैं कि जब भी कभी मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है और सोल्जर्स किसी भी ब्रिज को पार करते हैं तब हमेशा वो कमर के बल झुके किसी भी ब्रिज से निकलते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर किसी भी ब्रिज से एक पलटन अगर दौड़ते हुए निकलेगी तो ऐसा हो सकता है कि उस ब्रिज की जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी को वो सोल्जर्स मैच कर दें उनकी दौड़ने की वजह से, जिसकी वजह से वो ब्रिज ढह भी सकता है क्योंकि वो उसकी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगेगा। अब ये जो मैंने आपको बताया रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बारे में, इसका अर्थक्वेक से क्या मतलब है? तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जब भी किसी जगह पे भूकंप आता है तब भूकंप की फ्रिक्वेंसी डिसाइड करती है कि उस जगह पे कैसी बिल्डिंग्स, किस तरीके की बिल्डिंग्स ढहेंगी। अब आप अपनी स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आप ये देख रहे हैं कि जब लो फ्रिक्वेंसी की यानी कि ऐसे भूकंप जिनकी फ्रिक्वेंसी कम होती है यानी कि जमीन बहुत धीरे धीरे हिलती है, तब ऐसी बिल्डिंग्स जो गगनचुंबी होती हैं, जो बहुत ऊंची होती हैं, वो बिल्डिंग्स ढह जाती हैं और उन बिल्डिंग्स को कुछ नहीं होता जो छोटी होती हैं। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि ऐसे भूकंप जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत तेजी से जमीन को हिलाते हैं, तो ऐसे में उन बिल्डिंग्स को कुछ नहीं होता जो बहुत ऊंची होती है, बल्कि उन बिल्डिंग्स को असर पड़ता है जो उससे हाइट में कम है। तो ये बहुत सिंपल सी साइंस होती है रेजोनेंस के बारे में और भूकंप के बारे में। और यही रीजन होता है कि जब भी किसी जगह पे भूकंप आता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि उस जगह की सारी बिल्डिंग्स ढह जाएं। इसीलिए हम किसी भी जगह पे, किसी भी शहर में जो बिल्डिंग्स देखते हैं उन बिल्डिंग्स को उस तरह से डिजाइन किया जाता है, उस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे डिजाइन किया जाता है जिस तरीके के भूकंप उस जगह पे आते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग्स इतनी जल्दी ना गिरें। तो अगर अभी तक किसी को लगता था कि अगर किसी भी जगह पे भूकंप आता है और वो अगर ऐसी बिल्डिंग्स में है जो हाइट में बहुत ऊंची नहीं है, छोटी है, तो उनको कुछ नहीं होगा, तो ऐसा रियलिटी में नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग बच जाएं जो बहुत ऊंची बिल्डिंग में है और उन लोगों को दिक्कत आ जाए जो नीची बिल्डिंग्स में है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब आपको शायद पता चल गया होगा कि भूकंप की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है रियलिटी में। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लॉजिकल टॉक की दूसरी वीडियोस को देखने के लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।